जी हाँ, कोरोना काल में छात्रों पर यूपी वर्सेस बिहार क्यों कह रहे हैं, जल्दी से खबर आपको बता देती हूँ। तो राजस्थान के कोटा में फंसे करीब 8,000 छात्रों को वापस लाने के लिए बस भेजने का फैसला यूपी सरकार का रहा और इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। बिहार के सीएम ने यूपी के इस फैसले को लॉकडाउन का उल्लंघन बताया है। वहीं अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के गरीबों को निकालने के लिए सीएम साहब की क्या योजना है। तो तीन बातें यहां पर समझिए, एक तरफ योगी सरकार का फैसला कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस लाने का, छात्रों की घर वापसी जारी है, तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं ये तो लॉकडाउन का उल्लंघन है, उसकी अवहेलना है। और वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब छात्रों को वापस लाया जा रहा है तो सूबे के जो दूसरे लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने को लेकर सरकार की क्या योजना है। लॉकडाउन के बीच देश के एजुकेशन सिटी कोटा से यूपी के हजारों छात्र अपने घर लौट रहे हैं। योगी सरकार ने कोटा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से वहां पढ़ रहे यूपी के करीब 8,000 छात्रों को लाने के लिए बसें भेजी हैं। झांसी और आगरा से पहुंची बसें कोटा से छात्रों को यूपी के अलग अलग जिलों में लेकर पहुंचेगी। संक्रमण से बचने के लिए बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। 60 सीट वाली बस में जांच के बाद सिर्फ 30 बच्चे ही भेजे जा रहे हैं। कोटा से कोचिंग छात्रों की हो रही है घर वापसी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और कोटा में जो हजारों कोचिंग छात्र हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश वापस बुलाया जा रहा है। शुक्रवार रात को कोटा शहर में तीन अलग अलग जगहों पर यूपी से आई बसें पहुंची, जहां से छात्रों को कड़ी जांच के बाद बस में बैठने दिया गया। हमने करीब 8,000 बच्चों को भेजना तय किया है। हर एक बस में 30 बच्चे बैठेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। ये बच्चे जिस बस में बैठेंगे हर एक बच्चे को बस का नंबर पता है उसकी का कि किस बस में उसे बैठना है। इस तरह से इसको प्लान किया ताकि कोई अफरा तफरी नहीं मचे और बच्चों की लिस्ट भी सभी के पास मिले कि किस बस में कौन से बच्चे गए। वहां जाकर के झांसी और आगरा जाने के बाद अपने अपने रेस्पेक्टिव नेटिव प्लेसेस पे बच्चे चले जाएंगे। लेकिन यूपी के छात्रों को इस तरह लॉकडाउन के बीच वापस निकालने पर सियासत शुरू हो गई है। इस फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि ऐसा करना लॉकडाउन का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस सियासत में उतर गए हैं और उन्होंने भी ट्वीट कर कहा, राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन ये सवाल भी है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निर्मम आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है। कांग्रेस भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है और उनका कहना है कि ऐसे ही इंतजाम मजदूरों के लिए क्यों नहीं किए जा रहे। जो मजदूर फंसे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर फंसे हैं जगह जगह पर, दिल्ली में भी फंसे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर फंसे हैं, उनको भी यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अकेले कोटा में फंसे बच्चों पर ही लागू ना हो। योगी सरकार के इस फैसले से कांग्रेस को बिहार की नीतीश सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूछा है कि बिहार ने भी अपने छात्रों के लिए ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए हैं। कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।